कोरोना का कहर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली से बिहार काफ़ी मात्रा से यात्री बिहार पहुंच रहे हैं बस और ट्रेनों से। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने यहां पे बहुत बड़ी फैसला लिया है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी बीच महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन भी लगा दिया गया है 15 दिनों के लिए, और दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसके बावजूद भी कोरोना काफ़ी मात्रा से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली से बिहार काफ़ी मात्रा से लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन लग जाने के कारण मजदूर लोग महाराष्ट्र और दिल्ली से बिहार काफ़ी लोग पैदल भी पहुँचे थे। इसी को देखते हुए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे काफ़ी मात्रा से भीड़ आ रहे हैं। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। यदि आप महाराष्ट्र या फिर दिल्ली से बिहार आते हैं तो आप लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेना है। यदि आप नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लेके आते हैं तो आप लोगों को बिहार जैसे ही पहुँचेंगे रेलवे स्टेशन पर, तो आप लोगों को यहाँ पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यदि कोरोना टेस्ट में आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आप लोगों का वहीं से कोरोना हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा या फिर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।